नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दयानंद है। ये मेरा चैनल है डी एफ टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं टेक की वीडियो बनाकर हिंदी में अपलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड करी हुई है और इन फ्यूचर भी मैं अपलोड करता रहूँगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी डी एफ टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी डी एफ टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डी एफ टेक्नोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसके अंदर देखेंगे कि अगर आप लोग आउटलुक का डाटा एक्सपोर्ट करके बैकअप लेते हो हमेशा, और बाई चांस कभी आपको इम्पोर्ट करना हो या रिस्टोर करना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको आउटलुक ओपन करना है। इसको आप जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपको डाटा को इंपोर्ट करना है। इसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने कल इस आईडी का डाटा एक्सपोर्ट किया था, इसको मुझे इंपोर्ट करना है। तो जब मैंने इसका डाटा एक्सपोर्ट किया था तो इसके इनबॉक्स में कुछ नहीं था, बट सेंड आइटम में कुछ मेल थे। तो चलिए अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए आपको फाइल में जाना है, ओपन एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जाना है। यहाँ से किसी को चेंज मत करना, इसको आपको नेक्स्ट करना है। आउटलुक डाटा फाइल को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और जहाँ पे आपने डाटा को सेव किया हुआ है यानी एक्सपोर्ट करके जिस फाइल को आपने रखा हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। तो मेरा डी के अंदर था और ये वाली फाइल थी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया। इसको आप यहाँ से नेक्स्ट कीजिएगा। ये पासवर्ड मांग रहा है, जो आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड है वही आपको डालना है, और जो आपने डाटा एक्सपोर्ट करने के टाइम में पासवर्ड डाला होगा वही पासवर्ड है। ओके, फिर से सेम पासवर्ड, ओके, फिनिश। तो आप देखिएगा इसका सारा मिला गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप डाटा का बैकअप लेके रखे हो और कभी भी आप इस फीचर अगर इंपोर्ट करने की जरूरत पड़े तो आप कर सकते हो, सिंपल सा तरीका है। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछिएगा, उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी जाते जाते मेरा आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके, तब तक के लिए बाय।